गुड मॉर्निंग, अपने लोक स्मार्ट न्यूज चैनल और सुदर्शन टीवी चैनल के तरफ से मिलाकर अपने पब्लिक ऐप तथा यूट्यूब के माध्यम से जनहित लोकहित में आज महत्वपूर्ण समाचारों को आपके सामने हम ब्रेकिंग न्यूज में रखते हैं। सबसे बड़ी खबर कि 5 मार्च की रात्रि यानी 8:49 पर 5.4 तीव्रता रिक्टर स्केल पर बिहार पटना सहित कई जिलों में तथा साथ साथ सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर भी इसका भूकंप का ये महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र ये सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 25 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की तरफ दिशा था। दोस्तों, दूसरी खबर, गुरुवार यानी 7 मार्च को कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ राज्य के सभी मुख्यमंत्री आपको बीसी पर यह चर्चा होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी नीति अपनाया जाए, प्रतीक्षा देखा जाएगा उसमें क्या है। पीएम महोदय का निर्णय ठोस रूप से निश्चित रूप से सही होगा। देखा, सबसे बड़ी घटना बिहार के सारण जिले में एक ट्यूशन पढ़ाने जाने वाली एक लड़की ने युवक जो शिक्षिका प्राइवेट रूप में उसको कह सकते हैं, ये बाइक सवार कल अपराधियों ने परसा थाना के बनकेरवा के पास उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया। दुखद इस बात की कि एक नरसंस अब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं बिहार में, जिसका सारण जिले के ये परसा थाना का एक घटना ने हिला दिया। सुशासन में कुछ ये तो माना जाएगा कि आपको अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार का बिल्कुल ढीला दिखाई देता हुआ। केवल ऐसा काम नहीं चलेगा कि पुलिस काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, जांच जारी है, नहीं। आपको हम सीएम नीतीश कुमार जी से एज ए रिक्वेस्टेड हम आपका कहना कि प्लीज़ कम से कम कार्रवाई करें। आप कार्रवाई तो पुलिस वाले करते ही, कार्रवाई आपको जब तक नहीं करें, यानी कि जब तक पुलिस काला अधिकारियों पर आप अंकुश नहीं कसेंगे, यानी एक स्तर चौकीदार से लेकर थानेदार इंस्पेक्टर रैंक तो को अगर निलंबित कर दिया जाता है, इसका निदान नहीं है, बल्कि ऊपर वाले कड़ी जो जो जिम्मेवार है अगर उनको भी अगर उन पर भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन अगर हमारा बिहार सरकार यानी कि नीतीश जी, आप तो खुद आपको इस विभाग के आपको मंत्री भी हैं, आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक एक्शन नहीं होगा। जिस तरह देख सकते महाराष्ट्र में एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ के पूर्व डीजीपी ने जिस तरह से आपके गृह मंत्री अपने ही सरकार के मंत्री पर उन्होंने जो दोषारोपण लगाया, दोषारोपण के कारण आपको सीबीआई की जांच पर उन्होंने यहाँ तक कि अब रिजाइन कर दिया। हम चाहेंगे कि इस पर आपको नीतीश कुमार जी, आप सुशासन ईमानदार आप सच्चे व्यक्ति हैं, हम पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर लोक स्मार्ट न्यूज चैनल सुदर्शन टीवी चैनल के साथ हम आपको जानते हैं, प्लीज़ टेक कॉग्निजेंस। अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है, राजनीति कम एक्शन ज़्यादा, तब जनहित में लाभप्रद होगा। अगले समाचार कि महाराष्ट्र में जो 100 करोड़ वसूली वालों को लेकर अब जांच होगी, गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, एक ऑनरेबल वरिष्ठ न्यायालय यानी न्यायालय का जुडिक्शन अगर है तो इसको बिल्कुल इंडिया के न्यायालय की इसकी भूमिका इसकी ईमानदारी का पूरे वर्ल्ड माना जाता है। कल उन्होंने फैसला किया, जिस फैसले से आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जिस तरह से ये एसएसआर के मामले में याद होगा किस तरह से बदतमीजी से आपको मुकदमे को खेल बिगाड़ दिया, इसी अनिल आपको देशमुख ने बिहार के भावी एक अच्छे सुपरस्टार के साथ न्याय नहीं दिया। उस समय इसके साथ परमवीर सिंह वही डीजीपी भी मिले हुए थे। पुरानी बात याद किया जाए, आपका कहीं ना कहीं ये खेल बल को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो न्याय मिलने की संभावना कम रहेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोट किया। नेक्स्ट, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मधुबनी जिले में बेनपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गाँव में जो 5 हत्या का मामला जो प्रकाश में आया, उन्होंने हर हालत में कहा कि ये मामला कोई जातिता के मामले नहीं है, ये मामला आपराधिक मामला है। जहाँ तक मुआवजे की बात है उसके नियम के तहत मुताबिक इसके कार्य होगा। हम बताते चलते हैं कि ऐसे इस घटना में राजनीति लोग देने पर तुले हैं कि राजपूत परिवार की एक हत्या आपको जो 5 लोग कर देंगे, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें जातिता रंग ला जाए। जबकि ताजुब है कि आपको इस राजपूत परिवार को मारने वाला खुद ब्राह्मण ही आपको है, आपको एफआईआर बोलता है अभिलेख के आधार पर, एक ब्राह्मण हत्या जब कर दे किसी ग्रुप के साथ, अपराधियों के साथ, किसी जातिगत एक राजपूत पर, तो जातिता का रंग देना उचित नहीं होगा। ये ऐसा आपको मेरा चैनल का कहना है। नेक्स्ट, भी छपरा जिले में सारण जिले में सबसे बड़ी घटना है कि 24 घंटा के भीतर 6 संक्रमित रोगी को और पाया जाना, यानी कुल 36
36 में पॉजिटिव, पूरे जिले में 78 जो संक्रमित के संख्या में है, जहां तक कि आपको छोटका तिलपा, बड़ा तिलपा, गुदरी, मासूमगंज इसके चपेटे में है। 24 माइक्रो जोन बनाया गया जिसमें छपरा 17, बनियापुर सोनपुर को मिला गया। सारण जिले छपरा का रिपोर्टिंग था। सबसे बड़ी खुशी कि कल मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ, फर्स्ट टॉप टू 10 में 101 विद्यार्थी, पहले दूसरे रैंक में 7 छात्राएं। हम अपने लुकेश पांडु चैनल, सुदर्शन टीवी चैनल साथ सभी ऐप तथा यूट्यूब के माध्यम से हम सभी बच्चों को जिन्होंने कल अच्छा कार्य किया, बिहार का नाम रोशन किया, टॉप टू उसमें आए, हम सभी बच्चों को बधाई शुभकामनाओं के साथ। भविष्य में रहें अच्छे अच्छे, बिहार का नाम रोशन कर लिए, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो, ये मेरा आशीर्वाद है। नेक्स्ट टू भी हम एक और अगेन बात कहना चाहते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला कि आपको हाई कोर्ट में अब आपको वर्चुअल सिस्टम से काम होगा, लेकिन जहां तक व्यवहार न्यायालय जो पूरे बिहार के 38 जिलों में किस तरह से काम होगा, कैसे काम होगा, इसकी गहन एक मीटिंग भी चल रही है। उस मीटिंग के पास निर्णय लिया जाएगा कि यानी कल से कि किस तरह से कोर्ट चलाया जाएगा, उसके अनुसार हम अपने ऐप के माध्यम से, हम अपने इस माध्यम से आप सभी को बताएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।